अगर आज आज से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे, मैंने बता रहा हूँ इस बार का जो स्टूडेंट था आर्यन करके जिसकी 99.9 परसेंटाइल थी, उसने पूरी 11वीं अपनी 12वीं में ही पढ़ के अच्छी परसेंटाइल स्कोर करी। थोड़ा है, लिटरली बता रहा हूँ। जो बच्चा इस प्रोसेस को अच्छे से समझ जाता है उसका रैंक आ जाता है। Pro was once a beginner. कहने का मतलब, अगर आपको ये चीज का डाउट है, ये मैं स्टेटमेंट इसलिए लेके आया क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट है कि हम कैसे कर पाएंगे। आपको पूरी एक साल 11वीं तैयार करने के लिए मिली थी, लेकिन चलिए छोड़िए, हाँ क्या ही बोला जाए उसमें, जो भी हुआ सो हुआ। लेकिन अगर आज आज से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे, मैंने बता रहा हूँ 12वीं में आने के बाद इस बार का जो स्टूडेंट था आर्यन करके जिसकी 99.9 परसेंटाइल थी, उसने पूरी 11वीं अपनी 12वीं में ही पढ़ के अच्छी परसेंटाइल स्कोर करी है। लक्ष्य वाले बच्चों ने फोड़ा है, लिटरली बता रहा हूँ। अब आपके पास भी वही चांस है, लेकिन वही बात है कि आपके अंदर का भ्रम, आपके अंदर के डाउट्स, अगर आप उसको हमेशा पानी देते रहेंगे ना तो वो पौधा तो बनेगा ही। तो आपको उन सारी चीजों का सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप उसको रिवाइज करो, खुशी खुशी सो जाओ बस, और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहो बस। हर बार किसी भी चीज को जब शुरुआत करते हैं तो जो भी एक्सपर्ट भी होता है ना, वो कभी ना कभी तो उसने चीजों को सीखा होता है। अब आप ये मानिएगा, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो कहीं ना कहीं पहला कदम तो सीखने का ही है। तो आज आप अपने को मतलब कर लीजिए कि हम फालतू की चीजों पे, ये किताब करें, वो चीज करें, ये करें, बहुत सिंपल है यार। लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, दैट्स इट। जो बच्चा इस प्रोसेस को अच्छे से समझ जाता है उसका रैंक आ जाता है। कई बच्चों ने बोला है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। मेक शॉर्ट नोट्स, हाईलाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो उनको आप हाईलाइट करें। क्वेश्चन को दोबारा शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखना है, क्योंकि आप लिख चुके हैं, दोबारा क्या लिख के करेंगे। जो क्वेश्चन गलत होते हैं, डिमोटिवेशन नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी बेटा। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उससे आपको सीखना है, एग्जाम का भी, टेस्ट का भी, डीपीपी का भी बेटा। कुछ बच्चे होते हैं सर 10 में से 2 ही क्वेश्चन हुए, अरे खुश हो जाओ, 8 क्वेश्चन में आपने अपना कंसेप्ट गलत लगाया, नया सीखने को मिलने वाला है। तो कभी भी नेगेटिव अप्रोच रखना ही नहीं है भाई। एंड बिलीव मी, आप अपने हर दिन को इस प्रकार से बिताइए कि आपका कल ही एग्जाम है। आप ये डाउट ही दिमाग से निकल जाएगा कि आपके पास समय कब है। अगर आप हर दिन अपना इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं कि कल ही एग्जाम है, तो आपके अंदर वो जो डाउट चलता रहता है ना कि सर मेरे पास टाइम कम है, सर मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, सर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप सब डिस्कार्ड कर दोगे और वहीं से वो एटीट्यूड सीख जाओगे कि जो टीचर बार बार बोलता है बेटा बस लगे रहो, लगा रहे लड़के लगा रहे। कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छांव, कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी दूर टिके ना पाऊं। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, मिट गया अंदर ही अंदर, क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा, यूं न जा, आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइया। पूरे तहे दिल से एक बार आप कोशिश करिए कि एक सब्जेक्ट को दिल से प्यार किया जाए, और अगर आपने सही में अपना ये समय सब्जेक्ट को दिया, आपकी पूरी लाइफ सुधर सकती है।